हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने आज हमारे चैनल के ऊपर इसके पहले आई हुई वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि गाइज उस वीडियो के अंदर हमने एवीलू कंपनी काफी बड़े अपडेट्स के ऊपर बात की है, जो कि मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। पर गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले एवीलू कंपनी के रैम्पे शो का प्रीव्यू, जो कि फिर एक बार एवीलू कंपनी का एक स्पेशल यानी कि शार्क वीक रैम्पे शो है। और गाइज, इस रैम्पे शो के लिए भी एवीलू कंपनी ने काफी सारे मैचेस पहले से एडवर्टाइज किए हैं, जिन सभी मैचेस के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एवीलू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवीलू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले एवीलू कंपनी के रैम्पे शो का प्रीव्यू और जानते हैं कल के रैम्पे शो के लिए एवीलू कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पे शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज, सबसे पहली चीज जो कि एवीलू कंपनी ने कल के रैम्पे शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो है एवीलू कंपनी के मेन्स डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मिली मोरियार्टी डांटे मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, हमने एवीलू कंपनी के शोज के ऊपर ली मोरियार्टी के साथ देखा है कि ली मोरियार्टी का हर एक अपोनेंट उनके मैच के अंदर चीटिंग करता है और इससे ली मोरियार्टी मोस्टली अपने मैचेस हार रहे हैं। इसलिए ली मोरियार्टी के मेंटर यानी कि मैट सैडल ने ली मोरियार्टी को एक ऐसा अपोनेंट दिया है जो कि कभी किसी मैच के अंदर चीटिंग नहीं करेगा, और ये अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि डांटे मार्टिन थे। और ली मोरियार्टी भी डांटे मार्टिन को एज अपोनेंट फेस करने के लिए मान चुके हैं, इसलिए हम इस वीक के रैम्पे शो पर डांटे मार्टिन और ली मोरियार्टी इनके बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो एवीलू कंपनी यंगर टैलेंट्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच है। और गाइज, मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के रैम्पे शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, जहां पर मैं तो डिफरेंट स्टाइल यानी कि टेक्निकल स्टाइल वर्सेस हाई फ्लाइंग स्टाइल इनके बीच में मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन गाइज, जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रॉब्ली इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन जीते हुए दिखाई दे सकते हैं, और शायद फिर एक बार यहाँ पली मोरियार्टी इस बार इस मैच के अंदर कोई भी चीटिंग ना होने के बावजूद ही मैच हार जाएंगे, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से डांटे मार्टिन ही मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज, जोगली चीज जो कि एवीलू कंपनी ने इस वीक रैम्पे शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक रैम्पे शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और गाइज, यहाँ पर एवीलू कंपनी ने रिवील नहीं किया कि इनका अपोनेंट कौन होने वाला है, इसलिए गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हर बार की तरह ही यहाँ पर इनका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि थोड़ी फार जॉबर्स हो सकते हैं। तो गाइज, मेरे हिसाब से जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना यह मैच काफी आसानी जीतने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि उनका यह मैच कैसा होता है। लेकिन गाइज, जोगली चीज जो कि एवीलू कंपनी ने इस वीक रैम्पे शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो है एवीलू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें जे लीथल क्रिस्टोफर रेंस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि जे लीथल की राइवलरी समूह जो खिलाफ चल रही है और अपनी इस राइवलरी के अंदर जे लीथल ने समूह जो काफी भला बुरा कहा है, और ये देखकर क्रिस्टोफर डेरेंस काफी गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर डेरेंस और समूह जो के रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे। और यहाँ पर क्रिस्टोफर डेरेंस का कहना है कि जे लीथल को समूह जो ऐसा नहीं कहना चाहिए, और अगर जे लीथल ये सब करने वाले है तो इससे पहले कि जे लीथल समूह जो को फेस करे, जे लीथल को क्रिस्टोफर डेरेंस को फेस करना पड़ेगा, जो चैलेंज क्रिस्टोफर डेरेंस ने जे लीथल को दिया था और जे लीथल ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हम इस वीक रैम्पेज शो पर जे लीथल समूह जो को फेस करने से पहले क्रिस्टोफर डेरेंस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर गाइज, जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक रैम्पे शो का एक ठीक ठाक सा मैच हो सकता है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर क्रिस्टोफर डेरेंस और जे लीथल इनकी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और मुझे भी देखना है कि अपनी इस एज के अंदर क्रिस्टोफर डेरेंस किस तरीके से इस मैच के अंदर रसल करते हैं। पर गाइज, जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज पता नहीं क्यों लेकिन फिर एक बार मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि हमें शायद जे लीथल ये मैच भी चीटिंग करके जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, और प्रॉब्ली यहाँ पर जे लीथल को ये मैच जीतने के लिए सतनाम सिंह या फिर संजय दत्त मदद करेंगे। पर देखना पड़ेगा कि मैच जीतने के बाद जे लीथल यहाँ पर क्रिस्टोफर डेरेंस के ऊपर अटैक करते हैं या नहीं, और अगर जे लीथल क्रिस्टोफर डेरेंस के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या हमें यहाँ पर समूह जो आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर गाइज, जोगली चीज जो कि एवीलू कंपनी ने इस वीक रैम्पे शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक रैम्पे शो पर द क्लेम के मैच कैस्टर और गन क्लब के ऑस्टिन गन के बीच में एक रैप बैटल देखने को मिलने वाला है। और गाइज, जो कोई सुपरस्टार रैप बैटल जीतेगा वो आगे चलकर द क्लेम और गन क्लब इन दोनों टैग टीम्स के बीच में जो मैच होगा उस मैच की स्टिपुलेशन पिक करेगा, जो इस सेगमेंट के लिए एक सीरीज से बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज, जहां तक बात है इस सेगमेंट की, तो गाइज मेरे हिसाब से सेगमेंट इस वीक रैम्पे शो का एक बहुत ही एंटरटेनिंग सेगमेंट हो सकता है। और गाइज, हमें इस वीक रैम्पे शो पर मैक्स कैस्टर और ऑस्टिन गन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा बैटल देखने को मिलने वाला है कि इस रैप बैटल के अंदर कौन किसकी इतनी इंसल्ट करता है। लेकिन गाइज, जहां तक बात इस रैप बैटल के विनर की, तो मेरे हिसाब से मैक्स कैस्टर रैप बैटल जीतने वाले हैं, और देखना पड़ेगा कि अगर मैक्स कैस्टर रैप बैटल जीतते हैं तो इस मैच के लिए कौन सी स्टिपुलेशन पिक करते हैं। लेकिन गाइज, जोगली और आखिरी चीज जो कि एवीलू कंपनी ने इस वीक रैम्पे शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक रैम्पे शो पर एवीलू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर हम हैंगमैन एडम पेज और जॉन सिल्वर मिलकर बुचर और ब्लेड को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की,
तो गाइज हमने इस वीक के डायमंड स्पेशल फाइटर फेस्ट के शार्क वीक के ऊपर देखा है कि डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्स और जॉन सिल्वर बुचर और ब्लेड को गिफ्ट के तौर पर टी शर्ट देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर बुचर और ब्लेड ने गुस्से में एलेक्स रेनल्स और जॉन सिल्वर इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था और यहाँ पर हैंगमैन पेज इन्हें बचाने के लिए आए थे और यहाँ पर डार्क ऑर्डर को इस चीज का बदला चाहिए था कि बुचर और ब्लेड ने डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक किया है। इसलिए हम इस वीक रैम्पेज शो पर डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर और हैंगमैन एडम पेज एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर बुचर और ब्लेड को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए एक सीधी सी बैक स्टोरी है। पर गाइज इसी के साथ अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायमंड शो का एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है और हमें इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज और जॉन सिल्वर इन दोनों की बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और मुझे भी देखना है कि इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज और जॉन सिल्वर एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा टैग टीम यानी बुचर और ब्लेड को इस तरीके से फेस करते हैं। पर गाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से हैंगमैन एडम पेज और जॉन सिल्वर ये मैच जीतने वाले हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि हमें इस मैच के अंदर कोई ट्विस्ट देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि गाइज अब काफी दिन हो गए जॉन सिल्वर और हैंगमैन पेज इनके बीच में कुछ नहीं देखने को मिल रहा और मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि हमें इस मैच के अंदर कुछ स्पेशल और सरप्राइज देखने को मिले, नहीं तो ये मैच भी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इतनी ही चीजें हैं जो कि एवीडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं और इस सब के अलावा अगर इस वीक रैम्पेज शो कुछ होता है तो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?